तो बेसिकली ऋषि जी, आज हमें पढ़ना है F5। क्लियर है? बेसिकली आपको बेसिक कुछ बताया इसके बारे में, F5 क्या है? कुछ कुछ भी आइडिया, कुछ भी आपको क्या लगता है बेसिकली F5? जब आप नेटवर्क में F5 के बारे में सुनते हैं तो क्या करता होगा ये? एक लोड बैलेंसर की तरह एक्ट करता है आपके नेटवर्क में। लोड बैलेंसर का मतलब क्या होता है? लोड बैलेंसिंग का मतलब होता है डेटा ट्रैफिक को क्या करना, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट। क्या करने के लिए काम करते हैं हम इससे? डेटा ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट। अब जो डेटा ट्रैफिक आपने डिस्ट्रीब्यूट कराया, इस डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे आप क्या कर सकते हो? लोड बैलेंसिंग। क्या कर सकते हो? लोड बैलेंसिंग। अब लोड बैलेंसिंग से पहले आपके पास क्या आया था? डेटा। अब ये जो डेटा है ना, उसके ऊपर भी काम कर सकता है। कैसे? उसके ऊपर ये डीप पैकेट इंस्पेक्शन कर सकता है। क्या कर सकता है? डीप पैकेट इंस्पेक्शन, यानी लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 7 तक का क्या कर सकता है? इंस्पेक्शन कर सकता है। यानी आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपका कोई क्लाइंट है और आपके जो सर्वर्स है, जो भी आपके सर्वर्स है, इस क्लाइंट को ये सर्वर एक्सेस हो सकते हैं ओनली वाया गूगल क्रोम ब्राउजर के थ्रू। किसके थ्रू एक्सेस हो सकते हैं? सिर्फ गूगल क्रोम ब्राउजर के थ्रू। बट ये क्लाइंट क्या कह रहा है कि मैं यूज कर रहा हूँ ओपेरा ब्राउजर। तो बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली अगर आप राउटर स्विच यूज करेंगे तो वहां पे ये डीप पैकेट इंस्पेक्शन पास नहीं होगा। यस नो? वो कर ही नहीं पाएगा। वो लेयर 3 पे लुकअप डाल देगा, लेयर 4 पे लुकअप डाल देगा, बस इतना ही कर पाओगे, या लेयर 2। यस नो? बेसिकली जैसे ही क्लाइंट ओपेरा ब्राउजर से डेटा भेजेगा, और इफ यू आर यूजिंग F5 डिवाइस, अगर आप F5 डिवाइस यूज करते हैं और F5 डिवाइस पे आपने बता रखा है जब भी कोई डेटा आए तो आपको ब्राउजर चेक करना है, और उस ब्राउजर का क्या नाम है? गूगल क्रोम। सिर्फ गूगल क्रोम पे ही डेटा ट्रैफिक क्या करना है आपको? अलाउ। और अगर आपने किसी और ब्राउजर से ट्रैफिक को भेजा तो क्या कर देगा उस ट्रैफिक को? डिनाय। तो ये वाला काम किस पे करता है? वो लेयर 7 इंस्पेक्शन। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके मल्टीपल क्लाइंट्स है और कोई अनऑथराइज क्लाइंट, यानी कहीं और लोकेशन से, फॉर एग्जाम्पल ABC लोकेशन, और उसकी IP है 1.x.x.x। क्लियर है? ये ट्राई कर रहा है आपके वेब सर्वर को एक्सेस करना। तो आप अपने डेटा को रिसीव करोगे क्लाइंट के, और उस पर कौन से लेयर को चेक करोगे? लेयर 3 को। लेयर 3 में सोर्स कौन है? ओके, ये अननोन IPs है। ये सुनो भाई, नेटवर्क में क्या करते हो आप, कई कंट्रीज के IP को ब्लॉक करते हो ऋषि जी। ये सुनो, कई कंट्रीज की कंट्री होती है मेरे ABC, जैसे चाइना रशिया ब्लॉक होती है। बिल्कुल, ABC कंपनी की मैंने ABC बोल सकते हो आप, ABC जो है एक लोकेशन है, वहां की जितनी भी IPs है मैंने उनको क्या करना है? डिनाई। तो वो कौन सी लेयर पे काम करेगा? लेयर 3 पे। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये जो सर्वर है ना, ये HTTP पे है। किस पे? HTTP पे। लेकिन जब भी मेरा क्लाइंट इसको एक्सेस करे तो उसको क्या मिले? किस पे मिले एक्चुअल? उसे क्या लगे किस पे कन्फिगर है? HTTPS पे। या मैं क्या कर सकता हूँ, उसको अदर पोर्ट नंबर पे भी ट्रेवल करा सकता हूँ। किस पे? बट अदर पोर्ट नंबर। जैसे आपने अभी बोला कि आप सिर्फ गूगल क्रोम अलाउ कर सकते हैं, ओपेरा या बाकी मोजिला वगैरह भी ब्लॉक कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस इज यूजिंग लेयर 7। यस, ओके, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, ठीक है। सेकंड थिंग, अभी आप बोल रहे हैं कि एक साइट आपने जो कॉन्फ़िगर की है वो HTTP के हिसाब से कॉन्फ़िगर की है, बट जब यूजर एक्सेस करे, ये जो सर्वर है ये HTTP सर्विस यूज कर रहा है। ठीक है, बट यूजर जब एक्सेस करेगा उस सर्वर पे जो वेबसाइट होस्ट हुई है, उसके लिए आप बोल रहे हैं कि वो HTTPS यूज करेगा। बिल्कुल। तो जब भी क्लाइंट तो थोड़ा सा ना, आप थोड़ा सा ना स्लो में जाए थोड़ी शुरुआत में, क्योंकि मेरी उतनी अंडरस्टैंडिंग है नहीं अभी तक सिक्योरिटी डोमेन में। सिक्योरिटी आपने बेसिक CC ने पढ़ा है? हाँ हाँ, सिक्योरिटी आता है मुझे, मैं सिस्को किया हूँ, चेक पॉइंट किया हूँ। सिर्फ अभी लेकिन आपको कौन से भी ये बता रहा हूँ कि F5 रिक्वायर्ड क्यों है, मैं अभी और डीप जाऊंगा, लेकिन सिर्फ रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। मैंने अभी आपको लेयर 7 इंस्पेक्शन क्यों बताया? ब्राउजर के लिए। लेयर 3 इंस्पेक्शन क्यों बताया? IP के लिए। अब मैं आपको कौन सा बता रहा हूँ? लेयर 4 का काम बता रहा हूँ, जो पोर्ट नंबर के साथ होता था और सर्विसेज के साथ। तो आपके क्लाइंट को HTTPS मिल रही है, लेकिन आपके एक्चुअल लैन में जो सर्वर है वो कौन सी वेबसाइट पे होस्टेड है? HTTP पे। जब भी क्लाइंट का ट्रैफिक F5 पे आएगा, F5 भैया आपके इसके ट्रैफिक को किस में कन्वर्ट करके भेजेंगे? HTTP। लेकिन क्लाइंट को क्या लग रहा है कि आप क्लाइंट जो है वो सिक्योर कनेक्शन पे, लेकिन आपका इनसाइड जो लैन में वो कैसा है? इनसिक्योर है। तो ऐसा भी काम कर सकते हो। क्लियर है? ओके।
अब बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताया तो बढ़िया है, थोड़ा सा। बेसिकली ये क्या करता है, जब भी कोई प्राइवेट पर्सन आता है आपके राउटर पे, उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, आपके पब्लिक आईपी में थ्रू नेटिंग, बिल्कुल स्टैटिक अब या आपको जो है ना डायनामिक जो भी रियल टाइम में इसका यूज समझना पड़ेगा। कैसे, अब जब आप एक पब्लिक आईपी परचेस करते हो ना, तो उसपे सिर्फ आपको 65,535 कनेक्शन अलाउ होते हैं, यानी एक बार में कॉन्करेंट या स्टैटिक कनेक्शन। एक आईपी पे कितने यूजर कनेक्टिविटी ले सकते हैं, 65,535। या अगर आपने एक सर्वर बना रखा है abc.com का, तो एक टाइम पे कितने यूजर का ट्रैफिक ले सकते हो आप, 65,535। जब तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है या बिल्कुल कंट्री ग्लोबल वाइज? है, ग्लोबल ग्लोबल। जब भी आपके गूगल की आईपी ऑटोमेटिकली क्या होती रहती है, हर सेकंड चेंज हो जाती है वो रीजन के हिसाब से जो भी ये है, यही रीजन है भाई ये वाला 65,535। Billions of users trying to access google.com. Yes or no? अगर मैंने एक सिंगल आईपी ले ली तो क्या आने लगेंगे, ड्रॉप एक्सेस नॉट अलाउड। Yes or no? So हम नेट भी सीखेंगे। अब नेट जो है ना, आपने तीन टाइप का सीखा होगा CCNA में या CCNP में, स्टैटिक, डायनामिक और पैट। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, यहां से जो सोर्स आ रहा है उसकी आईपी है 1.x.x.x, लेकिन जब मेरे पब्लिकली जाएगा यानी F5 के थ्रू जाएगा अंदर लैन में, तो मैं कर दूंगा उसको 2.x.x.x। तो ये क्या हो गया, सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन। या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ये जो है ना डेस्टिनेशन बोल रहा है मेरा कौन है भाई, 10.x.x.x, लेकिन मैंने एक्चुअली जो डेस्टिनेशन है मेरा, मैंने यहाँ पर क्या बना रखा है, 100.x.x.x। ऐसा भी कर सकता हूँ, क्लियर है? क्लियर है कि डेस्टिनेशन आपको लग रहा है 10 है, लेकिन एक्चुअल में कौन है, 100। तो डेस्टिनेशन भी चेंज हो सकता है और सोर्स भी। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मिलेगा आपको नेटवर्क में सबसे ज्यादा, आपके पास एक दिल्ली साइट है, एक चेन्नई है, एक मुंबई है, एक बैंगलोर है। हाउ टू आइडेंटिफाई मल्टीपल साइट्स अ डेटा ट्रैफिक, कैसे वेरीफाई करते हैं, कुछ पता है आपको? मतलब इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि मेरा भाई दिल्ली यूजर कौन है, मुझे कैसे पता चलेगा, प्राइवेट नेटवर्क में या पब्लिक में मुंबई बैंगलोर कैसे, कौन सा यूजर है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं नेटवर्क में? नहीं पता कभी सर, आईपी आईपी हाँ बट प्राइवेट नेटवर्क में ठीक है, बट भाई अब जब पब्लिक आईपी, दिल्ली यूजर को अगर आपके वेब सर्वर को एक्सेस करना है तो पब्लिक आईपी चाहिए ना। यस तो मैंने क्या बोला, दिल्ली यूजर की आईपी है 10.x.x.x, चेन्नई यूजर की आईपी। हाँ जी बोलिए बोलिए, पूछिए आप क्वेश्चन। एक सेकंड सिर्फ, हाँ बोलिए। अक्षय, हेलो हेलो अक्षय अक्षय हेलो ऋषि जी आवाज आ रही है?
function where you can, you know, you can have a communication through production. So I will compare that connectivity through the DR. Okay. Hello, can you hear me? Hello. Sorry, Akshay. There was some DR release happening. So okay. Okay. No issue. No issue. Any doubt? No. Yeah, you can start. Okay. So basically, we need to discuss which one. Okay. So I got it. That you can identify the user from the IP, which IP belongs to which location. Yes. Basically. Okay. Yes or no? Yeah. That is the reason. Okay. Okay. Basically, क्या हो रहा है? फिर हमें क्या मिल रहा है? दिल्ली साइट, चेन्नई, मुंबई, बैंगलोर, ये सभी साइट्स के यूजर्स एक्सेस करना चाहते हैं आपके वेबसाइट के सर्वर्स को. क्लियर है? तो मैं अपने F5 बॉक्स पे कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ कि जब भी दिल्ली का यूजर आएगा 10 डॉट से और आपके वेब सर्वर पे हिट करेगा, तो मैं उसको कन्वर्ट करा दूंगा 11.11 डॉट पे, या मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल 7.7.7.7 पे. एक स्पेसिफिक आईपी लूंगा और सभी दिल्ली के साइट्स के यूजर्स को किस आईपी पे कन्वर्ट करा दूंगा. तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ नेट की हेल्प से. क्लियर? करेक्ट करेक्ट. ये बेसिकली कुछ फीचर्स थे. अब मैं बात करता हूँ कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या प्रीरिक्विजिट है इसके पढ़ने के लिए. तो बेसिकली ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला हार्डवेयर, ये F5 है आपका. क्लियर है? बेसिकली क्या होता है, F5 एक ऑर्गेनाइजेशन है और लोड बैलेंसर इसके कुछ मॉड्यूल्स हैं. लोड बैलेंसर क्या है इसके? मॉड्यूल्स. अब लोड बैलेंसर मॉड्यूल्स में आपको LTM मिलता है पढ़ने को, GTM है आपके पास, ASM है, WAF है. क्लियर है? तो LTM लोकल ट्रैफिक, GTM ग्लोबल एप्लीकेशन सर्विस मैनेजर, और ये फायरवॉल कॉन्सेप्ट के बेस पे चलता है. तो अभी के लिए हमें कौन सा सिनेरियो पढ़ना है? सिर्फ LTM का F5 LTM पढ़ाऊंगा मैं भी आपको. GTM एक सेपरेट पार्ट है. अपने हमारे कोर्स में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, राइट? नहीं, हमारे कोर्स में ओनली LTM इंक्लूडेड है, ओनली LTM ट्रेनिंग. और WAF? WAF अलग सिक्योरिटी डिवाइस है, उसके लिए अलग मॉड्यूल है, वो अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको. सब डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स है. जैसे आप सीसी ने पढ़ते, राउटिंग एंड स्विचिंग सेपरेट, सिक्योरिटी, वॉइस, डिजाइनिंग, कोलैबोरेशन, ये सुनो, और सीसीडी अलग चलता है. तो ये सारे आई नो दिस इट्स इंडिविजुअल इज अ बिग टॉपिक एंड शुड बी टेकन केयर बाय द सेपरेट कोर्स. सो मैंने यही चीज उनको पूछी थी कि F5 में कितने मॉडल्स है आपके पास, तो उन्होंने मुझे एक ही थमा दिया. नहीं, बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग ऑल मॉडल्स बट स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट यू नीड टू लर्न LTM. LTM इज अ सेपरेट पार्ट. देन यू कैन लर्न GTM. आप GTM पढ़ेंगे, इसके लिए अलग बुक्स है. ESM अलग कॉन्सेप्ट, इसके लिए अलग बुक है. WAF अलग कॉन्सेप्ट है, इसके लिए अलग मॉडल है. क्लियर है? ये लेता है 22 आवर्स ट्रेनिंग, ये लेता है आपकी 16 to 18 आवर्स ट्रेनिंग, ये लेता है आपकी 24 आवर्स ट्रेनिंग, ये लेता है कम से मिनिमम आप 16 आवर्स. क्लियर? सब सेपरेट मॉड्यूल्स है. बेसिकली बिगिनर लेवल पे जब आपको पढ़ना है तो LTM होगा, देन GTM होगा ग्लोबल, यानी मल्टीपल साइट्स पे आपके
F5 लगे हुए, तो उनको एक सेंट्रलाइज सर्वर, सेंट्रलाइज F5 पे क्या करना है, कॉन्फिगर। क्लियर है? ASM आपका एक डिफरेंट मॉडल है, WAF आपका डिफरेंट मॉडल है। तो basically, अगर मुझे, तो मुझे अगर ASM और WAF इसके साथ पढ़ना है, वो डिफरेंट है, हाँ वो नहीं सेपरेट मतलब पढ़ना पड़ेगा। सेपरेट पढ़ना पड़ेगा, अगर GTM स्किप कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? नहीं, सब स्टेप बाय स्टेप GTM यू नीड टू लर्न। अगर मुझे एप्लीकेशन और WAF सीखना है तो तो मुझे GTM GTM आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, टैब्स आपको सब पढ़नी पड़ेगी। जब मैं F5 का लॉगिन करूंगा तो कोई GTM, LTM, ASM, WAF अलग अलग से नहीं दिखेंगे, वही कुछ तो टैब्स ना। होंगी जहां पर आपको लोकल ट्रैफिक मैनेजर मिलेगा, कहीं सिक्योरिटी, कहीं DNS। क्लियर है? कोई एप्लीकेशन सर्विस मैनेजर की टैब होगी। करेक्ट करेक्ट, तो ये एक ही डैशबोर्ड में आते हैं, सिर्फ आपको मैं टैब्स पढ़ा रहा हूँ। तो मैं सिर्फ आपको लोकल ट्रैफिक मैनेजर की टैब पढ़ाऊंगा और कुछ एडवांस टैब भी बताऊंगा। तो अगर तो आपने बट LTM, आपके आपके जो कोर्स में आपने बताया था कि आई रूल वगैरह सब कुछ आएगा उसमें, बिल्कुल मैं दिखा रहा हूँ ना, इसलिए आपको फर्स्ट डे वी नीड टू ओके। डिस्कस इंट्रोडक्शन, आपको क्लियर रहना चाहिए। क्लियर है? एडवांस नहीं होगा, बेसिकली यू कैन लर्न अ बिगिनर लेवल टू एडवांस आप पढ़ेंगे, लेकिन ओनली LTM कोर्स। ऐसा नहीं कि मैं उसमें GTM ऐड कर दूंगा या ASM ऐड कर दूंगा। अगर आपको F5 का एक भी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं 80% तक, क्योंकि बेसिकली GTM अप्लाई करने के लिए आपको इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, एक्टिवेट करना है, नोड, पुल, VLAN कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आई रूल डिप्लॉय करना है, नेट कॉन्फ़िगर करना है, प्रोफाइल है, बहुत सारी चीजें। तो वो सारा कॉन्सेप्ट किसमें कवर होता है? LTM में। अगर ये क्लियर हो गया देन ये सब क्लियर है। तो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो देख लो, आपके यहाँ पर आपको कैंडिडेट को CCNA ने मस्ट होना चाहिए। क्लियर है? नेटवर्क की इंफॉर्मेशन क्लियर है? देन हम बात करते हैं मॉड्यूल वन। मॉड्यूल वन में सिर्फ आप इंस्टॉलिंग और इनिशियलाइज एक्सेस करना सीखते हो। इंस्टॉलिंग का मतलब पहले मैं बिग आईपी का ओवरव्यू दूंगा कि भाई बिग आईपी नहीं था तो हमारे पास नेटवर्क कैसा था, अब बिग आईपी ऐड हो गया तो कैसा होगा। क्लियर है? पहले क्या इशू आते थे, फिर उनको रिजॉल्व कैसे करा गया। देन हम बात करेंगे लाइसेंसिंग कि बिग आईपी को एक्टिवेट कैसे करते हैं रियल टाइम में, बहुत सारे मेथड्स होते हैं उनके बारे में बात करूंगा। सेटअप कैसे बनाएंगे, बेसिकली पूरा सेटअप हम VM पे बनाएंगे। क्लियर है? किस पे बनेगा? VMware। देन हम बात करेंगे कि इनिशियलाइज आईपी एड्रेस कैसे कन्फिगर करना है, नेटवर्क कैसे बनाना है, लैन साइट कैसे बनेगा VM पे, वैन साइट कैसे बनेगा VM पे, और क्लाइंट साइट कैसे बनेंगे। क्लियर है? एज इट इज रियल टाइम डिप्लॉयमेंट। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की कि कन्फिगर कौन कौन से वे से होता है, GUI एंड CLI दोनों पे बात कर लेंगे। ये बेसिक तो पहले सीखना पड़ेगा ना। करेक्ट करेक्ट। चलो देन आपके पास आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट वी डिस्कस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म कि भाई अगर आपको नेटवर्क में बिग आईपी डिवाइस मिल गया, कौन सा पोर्ट USB है, कौन सा कंसोल है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कंट्रोल बटन क्या होता है, LED पैनल क्या है, सप्लाई के लिए कौन से इंडिकेटर्स है, वो सब बात करने वाले हैं। देन हम बात करेंगे आउटसाइड बिग आईपी कैसे काम करता है, इनसाइड कैसे काम करता है। ब्लॉक का मतलब पूरा का पूरा नेटवर्क डिजाइन करना है हमें बिग आईपी का मॉड्यूल वन में। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, मॉड्यूल टू। मॉड्यूल टू का मतलब कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब पहले आप F5 को कहां पे रेडी करोगे, अपने लैन एनवायरनमेंट में। कहां पे रेडी करोगे? लैन एनवायरनमेंट। तो यहां पे कुछ सर्वर्स होंगे आपके, उन सर्वर्स को क्या बोला जाता है, नोड। नोड या तो फिजिकल होगा या क्या होगा, लॉजिकल या क्लाउड बेस हो सकता है। क्लियर है? करेक्ट। उसको कॉन्फ़िगर GUI CLI करोगे। देन आप बनाओगे पुल। अब बहुत सारे सर्वर को एक सेंट्रलाइज बॉक्स में रख दोगे, इस बॉक्स को क्या बोलोगे, पुल। इस बॉक्स को ये क्या जो बोलोगे, पुल है ये फिजिकल होगा या वर्चुअल होगा? सारा का सारा वर्चुअल है। जो आप DHCP बनाते हो उसमें पुल बनाते हो मल्टीपल आईपी का, सेम ऐसे ही कि मल्टीपल सर्वर की आईपी होगी और एक सर्विस होगी, 80 नंबर की सर्विस इन सभी सर्वर पे अप्लाई होती है यहाँ पे। ओके, तो ये जो पुल होगा ये सुपरनेट होगा और उसमें जितने भी सारे सर्वर्स होंगे वो उसी सबनेट से, सबनेट से ही लिया हुआ रहेगा, राइट? यस ओके ओके, गॉट इट।
तो पुल को बनाना जीयूआई सीएलआई सीखोगे, देन हम बात करेंगे पुल मेंबर्स कि भाई इन नोड को मेंबरशिप कैसे देंगे इस पुल की, जीयूआई के थ्रू और सीएलआई के थ्रू। देन कुछ की पॉइंट्स होंगे नीचे जब आएंगे एडवांस में, तो अब बात करेंगे किसकी, एक्चुअल एप्लीकेशन सर्वर, वर्चुअल सर्वर। वर्चुअल सर्वर क्या होता है, ये हमेशा पब्लिक आईपी के साथ चलता है, पिप के साथ। क्या बोल लो, पब्लिक आईपी, या आप बोल सकते हो वर्चुअल आईपी। क्या आप वेब सर्वर को कैसे एक्स करोगे, एक पब्लिक आईपी के साथ था, तो वर्चुअल सर्वर बनाना सीखूंगा जीयूआई और सीएलआई। उसमें पुल को भी मैप करेंगे, पुल मेंबर्स को भी मैप ऐड करेंगे और नोड्स को भी ऐड करेंगे। तो हम क्या सीखेंगे वहां पे, वर्चुअल सर्वर विद पब्लिक आईपी। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, मॉड्यूल नंबर 3, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट अ डेटा ट्रैफिक, दैट मींस लोड बैलेंसिंग मेथड कितने टाइप के हैं। क्लियर है? तो लोड बैलेंसिंग में आपको स्टैटिक भी सिखाऊंगा, डायनेमिक भी सिखाऊंगा। वर्चुअल सर्वर के साथ कैसे मैप करना है, पुल कैसे काम करता है, नेटवर्क में कैसे चलनी है, मोड्स कौन कौन से होते हैं लोड बैलेंसिंग के, कन्फिगर कैसे करते हैं। क्लियर है? जीयूआई बेस्ड, सीएलआई बेस्ड। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक मॉड्यूल नंबर 4 की, या IPv6 का क्या बनाना सिखाऊंगा सिर्फ आपको, वर्चुअल सर्वर। देन आप बात करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल नंबर 5। अगर आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर हैं तो आपको इस वर्ड का नाम पता होगा, ये किस लिए यूज होता है, किस लिए यूज होता है नेटवर्क में, रीचेबिलिटी के लिए ना। तो यहाँ पर F5 में क्या होता है, सेम एज इट इज मॉनिटर, लेकिन SLA में सिर्फ आईपी के लिए काम कर सकते हो या रूट के लिए, ये सर नो करेक्ट। कोई SLA के थ्रू HTTP मैसेज भेज सकते हो, FTP भेज सकते हो, नहीं। लेकिन F5 के पास एक ऐसा मॉनिटर है जो आपका HTTP भी भेज सकता है चेक करने के लिए, FTP भी भेज सकता है, ICMP भी भेज सकता है। क्लियर है? ये सारे मैसेजेस कौन भेज सकता है, मॉनिटर, क्या चेक करने के लिए, रीचेबिलिटी और अवेलेबिलिटी के लिए। तो मॉनिटर पूरा पड़ेगा, जो ये सर्वर्स का मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग नहीं, ये मॉनिटर का मतलब कि वो अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट आएगी और फिर क्या आएगा, रिप्लाई। रिस्पांस, जब रिप्लाई आएगा तो उसका स्टेटस किसको रिपोर्ट करना है आपको, F5 को। ओके, तो इसको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन असाइन कैसे होता है वो सब बात करेंगे, और मॉडिफाई करके कैसे बना सकते हो। कई आपके नेटवर्क में SNMP चल रहा हो, मॉनिटर बनाना पड़ेगा ना आपको, यूजर नेम अलग होगा, पासवर्ड अलग होगा ना, that means you need to configure customize monitor. So we discuss, then we discuss module number 6 depend on your protocols. अगर मैं आपसे पूछूं FTP कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है, TCP, अगर मैं पूछूं DNS कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है, that means UDP. तो जब भी F5 पे ट्रैफिक आएगा तो आपको बताना पड़ेगा ना किस प्रोटोकॉल का ट्रैफिक आ रहा है, yes or no? So F5 को किसके साथ मैप करना है आपको, प्रोफाइल। क्लियर है? अब प्रोफाइल आल्सो हेल्प टू डू, अगर आप इनक्रिप्ट डेटा रिसीव कर रहे हो तो क्या करवा सकते हैं आपके डेटा को, डिक्रिप्ट। क्लियर है? अगर आपके साइज में इशू आ रहा है तो ये कंप्रेशन भी करा सकती है और डीकंप्रेशन। ओके, देन वी डिस्कस मॉड्यूल नंबर 7, परसिस्टेंस मींस, अगर आपने देखा होगा नेट बैंकिंग यूज करते हैं, करेक्ट, यस। नेट बैंकिंग में सर्वर के साथ सेशन कितने सेकंड का होता है, ओनली 60 सेकंड। हाउ इट पॉसिबल, सो वी यूज परसिस्टेंस कॉन्सेप्ट। या आपने कभी शॉपिंग करी है फ्लिपकार्ट अमेजोन, तो आपके कार्ट्स में कुछ गुड्स रहते हैं, iPhone 11, टैब लेना है, ये लेना है, वो लेना है, तो सबको कार्ट्स में रखते हो, लेकिन आफ्टर अ वन वीक, आफ्टर अ वन मंथ आप दोबारा से देखते हो तो कार्ट में तो अवेलेबल होते हैं, यस और नो? तो हाउ इट पॉसिबल, तो वी डिस्कस अ कुकीज आल्सो, कैसे आपके क्लाइंट के डेटा को स्टोर करना है। क्लियर है? ओके, सेम सर्वर पे हिट होगा उसका, नहीं तो लोड बैलेंसिंग होके दूसरा सर्वर मिल जाएगा ना। देन हम बात करेंगे किसकी, मॉड्यूल नंबर 8, अभी जो मैंने बताया था आपको SSL। google.com पे जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होता है, विदाउट सर्टिफिकेट गूगल पे जा सकते हो, नहीं। ये सर्टिफिकेट क्या करता है, सिक्योर कनेक्शन किसके बीच में, क्लाइंट और सर्वर। तो बेसिकली हम रियल टाइम में भी ऐसी सर्टिफिकेट्स को डिप्लॉय करते हैं, तो वहां पे SSL सिखाऊंगा,
सर्टिफिकेट कैसे लगाने। देन बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 9, ये तो कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट है, हमने कर दिया है पहले। मॉड्यूल नंबर 10, सो अभी मैंने बताया था नेट, ये सुनो नेट भाई मैं चार तरीके से पढ़ाऊं आपको, याद रखना 4 से 5 कंप्लीट नेट खत्म, इसके बाद कुछ नहीं है। ओके, देन हम बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 11। अब आई रूल ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ही सिखा दूंगा, बेसिकली हाउ टू कॉन्फ़िगर, हाउ टू अप्लाई एंड हाउ टू यूज, क्लियर है? तो उसके बारे में आई रूल की कहानी होगी। तो मैं आपको एक ट्रैफिक बना के दिखाऊंगा HTTPS का, लेकिन सर्वर किस पे होंगे सारे के सारे HTTP, तो ये करके दिखाऊंगा। बेसिकली आई रूल आपको प्री कॉन्फ़िगर मिल सकते हैं, वेबसाइट पे इनके ऑलरेडी है, या आपके डेवलपर आपको बना के देंगे, क्लियर है? चलो, आई रूल एज इट इज ACL की तरह काम करता है, किसकी तरह? ACL की तरह। अलाउ कर सकते हो, लिखने का तरीका अलग है थोड़ा, राइट? हाँ, बस यूज करने का तरीका अलग है। ACL में स्टेटमेंट देते हो, यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं होती, यहाँ पर आपको कोट्स राइट करने होते हैं, क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मॉडल नंबर 12 इंस्टॉलेशन है रिडंडेंट लिंक्स। अब भाई रिडंडेंट का मतलब होता है कि आपके पास 2 F5 होने चाहिए, ये सुनो F5 1 F5 2, एक डाउन होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली ट्रैफिक को क्या करेगा, रिसीव एंड फॉरवर्ड, क्लियर है? तो हम इनके बीच में क्या बनाएंगे, HA कॉन्सेप्ट, हाई अवेलेबिलिटी रिडंडेंट पेयर, और सिंक्रोनाइज करेंगे इनको, उसके लिए लैब्स रेडी करेंगे। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक मॉडल नंबर 13, ये अभी मैंने बताया था फेल ओवर कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा, फेल ओवर। अगर आपने फायरवॉल पे काम करा है तो आपको पता होगा फेल ओवर कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में बताएंगे। देन हम बात करेंगे मॉडल नंबर 14, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर F5 नेटवर्क इंजीनियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रबल शूटिंग यहीं से स्टार्ट होती है सारी, कि लॉग्स कैसे रीड करने, कौन सा एडिशनल टूल यूज करके रिसोर्सेज चेक करने, SNMP कैसे काम करता है, आई हेल्थ क्या है, बग्स आते तो कैसे चेक करना है कि भाई मेरे सिस्टम में कौन कौन से बग्स है, अलर्ट है, नोटिफिकेशन है, स्टेटस है, वो देखने के लिए। एनालिटिक्स मीन्स डैशबोर्ड कैसे रीड करना है, TCP डंप मीन्स हाउ टू फिल्टर द डेटा ट्रैफिक विद द हेल्प ऑफ CMD, क्लियर है? EOD आस्क F5, ये भाई एक हेल्प वेबसाइट है, क्लियर है? ओके, ये सारे मॉडल्स है, एनीथिंग एल्स? मतलब आप, हाँ, एक और पॉइंट, जितने भी सारी चीजें सीखेंगे आई विल ट्राई टू कोरिलेट विथ माय एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। मतलब मेरे यहाँ पे ऑन प्रीमाइज डेटा सेंटर में भी है कुछ वेबसाइट होस्टिंग, और कुछ अजूर क्लाउड में भी है प्रोडक्शन एंड DR। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इफ यू आर लर्निंग LTM सो नो इशू, मैं बताऊंगा सब। बेसिकली क्लाउड बेस अलग होता है, अगर आप F5 सर्टिफिकेशन के वो देखेंगे स्टेप्स कैसे होते हैं, तो ये मैं दिखा देता हूँ। क्लाउड में तो दो लेयर और आ जाते हैं, जैसे अजूर में हमको अजूर लोड बैलेंसर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों यूज करने पड़ते हैं, राइट? ये देखिए मैं क्लियर कर दूंगा सारे पॉइंट, कोई इशू नहीं है। ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर आप है, पहले आपको 101 बेसिक फंडामेंटल्स, अगर सेल्स करना है तो यहाँ जाना पड़ेगा, 202 करेंगे, अगर सेल्स नहीं करना तो 201 एज एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर है? इंस्टॉलेशन और लाइसेंस एक्टिवेशन, क्लियर? बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे आपके F5 के। देन यू नीड टू गो टू 301 A and B, दैट मींस टेक्निकल स्पेशलिस्ट, यहाँ पे इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूटिंग, इम्प्लीमेंट, डिप्लॉयमेंट, लाइसेंसिंग, ये सारी चीजें होती है, क्लियर है? सो इन दिस सिलेबस वी कवर्ड 101 201 301 A 301 B। करंट में अगर GTM करना है तो DNS है, ASM अलग है, APM अलग है, अगर क्लाउड में जाना है सेपरेट है, सिक्योरिटी में जाना है सेपरेट है। दिस वन इज ट्रैक, क्लियर है? तो सारे कोर्स स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो फिर आप मुझे एक काम करें ना, कि ये सारा का पैकेज जो भी है, आप मुझे एक ही पूरा कोर्स का फी बता दो,